Hello, creative filmmakers and actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili Films Production in association with Bollywood Ka Halla. दोस्तों आज बात करेंगे कि एक शॉर्ट फिल्म किस तरह से बनाई जाती है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर अपना टेक्निकल भी शुरू कर दिया है ताकि आप सभी लोग एक्टर के साथ साथ एक फिल्म जगत से भी जुड़ सकें कैमरा के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल स्टेप से होकर गुजरना होगा जिस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब एक कहानी, एक लेखक की कहानी जो वो लिखता है। अब वो लेखक कोई भी हो सकता है, वो आप भी लिख सकते हैं अगर स्टार्टिंग लेवल पर हैं, या फिर कोई एक लेखक अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो भी आप उनको रख सकते हैं अपने साथ। वो लोग आपकी उस कहानी पर, आप उस फिल्म को बनाइए, देन उसके बाद वो फिल्म आप शूट करेंगे। किस पर? कैमरे पर। कैमरे पर शूटिंग के लिए आपको चाहिए क्या? एक कैमरा बेहतरीन सा, जो कि अच्छा कैमरा हो, अच्छी क्वालिटी देता हो। उसके लिए आप आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं, आप रेंट पर भी ले सकते हैं या फिर आप खुद का कैमरा भी ले सकते हैं, वो आपके बजट पर निर्भर करता है। तो बात करते हैं कि किस तरह का कैमरा हो। कैमरा हो सकता है आपका मिररलेस कैमरा, जैसे कि आपका सोनी के कैमरे हो गए, निकॉन के कैमरे हो गए, या फिर आपके कैनन के कैमरे हो गए। इसमें कई तरह की वैरायटीज आजकल आ चुकी हैं, जो कि आपका क्रॉप सेंसर कैमराज हैं, फुल फ्रेम कैमरा हैं और प्रो लेवल के कैमराज हैं। तो आप जिसमें जाना चाहें आप बजट के अनुसार जा सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल जो 40-45 हज़ार से शुरू होकर लाखों तक पहुँच जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि DSLR कैमरा। अब हम बात करेंगे कि फिल्म शूट करने के लिए आपको किस किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये लाइन पढ़कर तो आ गए होंगे कि आपको एक फिल्म तैयार करनी है, फिल्म बनानी है, लेकिन फिल्म बनाने के लिए आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। सीखना उसमें क्या ज़रूरी है? दोस्तों कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, उसमें किस तरह के फील लेकर आना है, स्टोरी को किस तरह से जस्टिफाई करना है, उसके बाद एक्टर्स को किस तरह से हायर करना है, किस तरह से एक्टर से काम निकलवाना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर होकर आपको गुजरना होता है। क्योंकि डायरेक्टर एक फिल्म का एक निर्माता ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक ही नहीं, बल्कि उसका भगवान भी होता है। क्योंकि डायरेक्टर ही एक प्रारूप उसका तैयार करता है, उसको बनाता है, और किस तरह से उसको बनाकर एक दर्शकों के सामने पेश करता है, वो उसकी एक पूरी कार्यकारिणी तैयार करता है। तो डायरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि एक एक्टर के साथ साथ एक एक्टर को निर्देशित भी करता है कि आपको इस तरह से करना है। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक डायरेक्टर बनना है, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर डायरेक्टर बनना है तो सीखना ज़रूरी है। फिल्म कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, तो उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग देखें और समझें कि इस फिल्म जगत में डायरेक्टर बनना कितना आसान हो सकता है और किस तरीके से बना जा सकता है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ हमारी इन्हीं चीज़ों पर होने वाली हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।